इस ऐतिहासिक बिल पर। इस ऐतिहासिक बिल पर मुझे बोलने का मौका दिया। सर सी बात कह सकता है, प्लीज बैठिए। सर माननीय अध्यक्ष जी, मैं अधीर रंजन जी को इतना पूछना चाहता हूं, क्या महिलाओं की चिंता सिर्फ महिलाएं ही करेगी, पुरुष नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार के समाज की आप रचना चाहते हैं भाई? महिलाओं की चिंता, महिलाओं का हित, महिलाओं से आगे बढ़कर भाइयों ने सोचना चाहिए, यही इस देश की परंपरा है। महिलाओं के बारे में सोचने का अधिकार सभी को है। तो हमारे साथी सांसद निशिकांत जी खड़े हुए हैं, इसमें उनको क्या आपत्ति है? उनको खड़ा होने नहीं मिला पहले, इसलिए थोड़ा जेलस हो रहे हैं शायद। निशिकांत जी, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस या उसके समर्थक दल किस तरह से लोकतंत्र का गला घोटते हैं वो मैं उदाहरण हूं। मैं गांव में पैदा हुआ, मेरे माँ पिताजी आज भी गांव में रहते हैं। आज जब मैं पार्लियामेंट के लिए चल रहा था तो मेरी माँ आज एम्स देवघर में भर्ती है सर, उसने मुझे फोन किया कि बेटा यदि पार्टी तुमको मौका देती है तो आज इस बिल के बारे में जरूर बोल। और इसीलिए कहा उसने कि जो महिला है सर, आज यदि सारे पुरुष यहाँ मौजूद हैं तो उसका कारण महिला है, यदि महिला नहीं होती तो पुरुष का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। और आज चूंकि कांग्रेस की गलती है सर, और ये जितने अपोजिशन के लोग हैं वो इतने वर्षों तक इस बिल को लेकर नहीं आए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये नैतिक साहस दिखाया, हमारी पार्टी ने ये नैतिक साहस दिखाया, आज हम बिल लेकर आए हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है। हम बरसों से सुनते रहे सर कि जननी जन्मभूमि स्वर्गाद्यपि गरीयसी, यत्र नारीयस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन क्या हुआ, इस देश में महिलाएं स्कूल एजुकेशन के लिए परेशान थी। जब तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार नहीं आई, सर्व शिक्षा अभियान इस देश में नहीं आया, महिलाओं का जो है शिक्षा का लेवल नहीं बढ़ पाया सर। महिलाएं यदि बच्चियां स्कूल जाती थी तो उनको जो है खाना बनाकर जाना पड़ता था सर। और इसको जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा तो मिड डे मील स्कीम जब तक कि सरकारी स्कूलों में लागू नहीं हुआ तब तक महिलाओं की संख्या, बच्चियों की संख्या नहीं बढ़ी सर। और उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, इस देश के प्रधानमंत्री ने जो सबसे बड़ी बात की कि उनको सम्मान दिया सर। सारे स्कूल में, स्मृति ईरानी जी उस वक्त एचआरडी मिनिस्टर थी, सारे स्कूलों में शौचालय बनाकर महिलाएं कैसे अच्छा से पढ़ेंगी, बच्चियां कैसे आगे बढ़ेंगी, उसी का ये उदाहरण है। और उससे आगे बढ़कर आज जो कल से लेकर परसों से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बोल रहे हैं कि सही समय है, यही समय है। और इसी समय पर आज ये ऐतिहासिक सेशन बुलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को जो सम्मान देने का काम किया उसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गौरवान्वित हैं, और हम उनका जो है आदर और नमन करते हैं कि उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला किया। सर मैं पढ़ रहा था, काफी बातें कही, मैं केवल दो तीन चीजें बताना चाहता हूं, फिर अपने विषय पर आऊंगा सर। ये देश इस संविधान से चलता है और इसका आर्टिकल 82, मनीष तिवारी जी यहां बैठे हुए हैं, कल से लगातार वो संविधान 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 की बात कर रहे हैं। अभी सोनिया जी ने भी बोलते हुए बातें कही कि अभी क्यों नहीं लागू कर दिया, कब से लागू कर देंगे। ये देश संविधान से चलता है। मैं आर्टिकल 243D और आर्टिकल 243T, जिसके लिए कि उन्होंने बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि हमने पंचायत में जो है महिला रिजर्वेशन लागू किया, बड़ा अच्छा किया। लेकिन यह आर्टिकल में 243D और 243T हमने तो नहीं दिया, आप दोनों को पढ़ लीजिए। 243D और टी क्या, पंचायत में किस तरह से रिजर्वेशन होगा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में किस तरह से रिजर्वेशन होगा,
आपने उसके लिए कभी ओबीसी की बात तो नहीं की? यदि इस आर्टिकल में यदि आपने डाला होता ओबीसी की बात, तो आप जब करिए बहुत अच्छा, इतने वर्षों से आपको नहीं दिखाई दिया। उसी तरह से 1947 से लेकर 49 तक ये पूरा संविधान सभा चलता रहा, परसों से यही भाषण सुन रहे हैं सर। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से लेकर 1952 से लेकर आज तक चुनाव हुआ, कभी किसी ने राज्यसभा में रिजर्वेशन की बात नहीं की, विधान परिषद में बात नहीं की। आज भी राज्यसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं है। आप कौन सी नई बात केवल पॉलिटिकल एंगल के लिए ले आते हैं? आपने जब नहीं किया, जब तक आज तक जो है भारत के संविधान में यह कहा गया कि राज्यसभा में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, विधान परिषद में कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लाती है, तो आप कहते हैं राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है, विधान परिषद में रिजर्वेशन नहीं है। आप पंचायत में कहिए कि कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा, चाहे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में कोई ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होगा। और आर्टिकल 82 है सर, जो एडजस्टमेंट ऑफ ईच सेंसस की बात कर रही है और सीट बढ़ाने की बात, सब पढ़ लीजिएगा इस आर्टिकल को। इसमें कहा गया है कि 2026 तक सभी चीजों को हमने फ्रीज कर दिया है। आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करना चाहते हैं? आप उसके ऊपर जो है कहते हैं कि 2024 से लागू कर दीजिए, तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में तुरंत वो स्टक डाउन हो जाएगा। क्या आप चाहते हैं कि महिलाओं को रिजर्वेशन नहीं दें? और जिस तरह से आप केवल राजनीति के माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन को लॉलीपॉप बनाते रहे, घुमाते रहे, वही भारतीय जनता पार्टी करे। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं जो कहते हैं कि जिसकी मैं शुरुआत करता हूं उसका अंत भी करता हूं। यदि यह महिला रिजर्वेशन यहां आया है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा, मिलकर रहेगा, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं रोक सकती है। लेकिन इनके यहां क्या दिक्कत है सर? इनके यहां सबसे बड़ी दिक्कत है, और अभी जितने स्पीकर बोलने वाले हैं सर, वो स्पीकर 2026 में ये आर्टिकल 82 पढ़िए, संविधान को जो है पढ़िए, जो संविधान में लिखा हुआ है कि सेंसस होगा, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन के बाद जो है हम उसको लागू करेंगे। और ये आर्टिकल 82 कह रहा है, ये 82 कह रहा है। सर पूरे देश दुनिया में कोरोना के कारण लोग मरे, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण आज 140 करोड़ लोग बच गए। इस पार्लियामेंट को चलाने में आप जैसे लोगों को क्या समस्या हुई सर? लोकसभा, राज्यसभा, लॉबी, सभी जगह सांसद बैठकर कानून पास करते रहे। भाई मरता था तो भाई का लाश जलाने के लिए कोई नहीं जाता था, पिता मरते थे तो पिता का लाश जलाने के लिए बेटा नहीं जाता था। उस कोरोना से बचकर हम आए हैं 2 साल के बाद। आपका तो आपने क्यों नहीं कराया, आपने क्यों नहीं कराया? कितने लोग थे जो रोड पर घूम रहे थे, कितने लोग थे जो खाना खिला रहे थे, सारे जगह के ट्रेन बंद थे, सारे जगह की स्थितियां बंद थी, भागलपुर पूरा जो है भारत जो है